हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे एस पी एफ डिजिटल क्लब में। और आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स विद्युत धारा से डे थ्री का, जो डे थ्री है आज फिजिक्स में। तो इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण और जटिल यानी वैकल्पिक प्रश्न लाए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका इस्पात का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक को दूसरा नाम है अस्थाई चुंबक, विद्युत चुंबक को कहते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट हम सभी जानते हैं क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आगे, विद्युत बल्ब के भीतर डैश रहता है? तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस रहता है। आगे, डायनेमो ऊर्जा को बदलता है? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ मोटर होगा तो मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कारक? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कारक माइकल फैराडे थे। और आगे, कूलम्ब मात्रक है? तो पिछले अध्याय में हमने सभी राशि का मात्रक और संकेत लिख दिए थे। तो कूलम्ब किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। किसी चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है और परिवर्तित रहती है, इनमें कोई नहीं। तो पिछले अध्याय में बताए थे प्रतिरोधकता रो बराबर आर ए बटा एल। तो क्या पूछ रहा है, किसी चालक की लंबाई बढ़ने प्रतिरोधकता है? तो देखते हैं प्रतिरोधकता क्या होता है, लंबाई के व्युत्पन्नपाती होता है। अर्थात ये ज्यादा लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटेगी और लंबाई घटाने पर प्रतिरोधकता बढ़ेगी। तो यहाँ आपको दिया हुआ किसी चालक की लंबाई बढ़ने पर, तो लंबाई बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ इसका व्युत्पन्नपाती है, तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होगी? घटेगी। अगर इसी में अगर क्वेश्चन आता क्या क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होगी, तो क्षेत्रफल क्या होता है? प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती और क्षेत्रफल घटाने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध? तो बताए थे वाट, वाट किसका मतलब होता है? वाट होता है शक्ति का। अर्थात आपको दिया हुआ पी बराबर 100 वाट और वोल्ट 220 वोल्ट, वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। अर्थात विभवांतर भी दिया आपको 220 वोल्ट और फिलामेंट का प्रतिरोध अर्थात आपको आर बराबर पूछ रहा था, आर बराबर क्वेश्चन। तो पिछले अध्याय में हम सूत्र बता रहे थे, तो सूत्र बताए थे पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ से आर साइड करते हैं, आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे पी, अर्थात 220 गुने 220 बटा 100 जीरो जीरो होगा 22 मिलेगा 484 ओम। तो अर्थात इसका सही जवाब होगा 484 ओम। इसी तरह हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल SPL डिजिटल क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।